तो एक ही टॉप पसंद आया। अभी निकलती हूँ यहाँ से, तो अभी मार्केट में आ चुकी हूँ मैं। और अभी सबसे पहले देख लो, अब इसके काम ये करता है, ये बैठते ही हैं। तो तीन चार ड्रेस में बहुत धोखाधड़ी है। और समोसे तो मुझे इतने काजू के बाद अभी लिए हैं पिस्ते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आम को, तो अभी लास्ट में मैंने बनाया है अपने लिए। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज मैं जा रही हूँ अभी मार्केट शॉपिंग के लिए। तो अभी चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, काम होते होते लेट ही हो जाता है। तो अभी निकलती हूँ मैं, बच्चों के आने से पहले मुझे वापस आना है। तो मैं बैठ चुके हैं जाने के लिए, और आज मैं जा रही हूँ मार्केट में आ चुकी हूँ मैं। और अभी सबसे पहले मैं अपने कृष्णा के कपड़े लेके आई हूँ गर्मी के, तो वही लेके आई हूँ। और अभी देखती हूँ जो मुझे लेना है। तो अभी लिए थे अपने लिए कपड़े, तो एक ही टॉप पसंद आया। अभी निकलती हूँ यहाँ से और चलते हैं। अब ले लिए हैं बच्चों के कपड़े लेने के गर्मी के, और अभी चलते हैं अपना घर। ये देख सकते हो बैग मेरे। तो अभी खाने के लिए आए हैं, ऑर्डर किया है थोड़ा सा। तो अभी आ चुकी हूँ भाई घर, और अभी मैंने रखी है चाय शाम की। तुषार, आपको कैसे लगे कपड़े? तो बच्चों के लिए गर्मी के कपड़े लेके आई हूँ, अपने लिए, उसके पापा के लिए, सबके लिए लेके आई हूँ। और लड्डू के लिए, लड्डू को भी बहुत पसंद आए। खुशी, तुषार एक बात बता आपको, इधर आ, ये खेल रहा है अभी गेम, फिर जाएगा। तो शान, आज आपके फैन मिले थे मुझे, तो भाई बच्चों की डिमांड ज़्यादा हो रही है, बोल रहे थे कि मैम बच्चों को क्यों नहीं लेके आए, हमें तो उनसे मिलना था। तो बच्चों को बहुत पसंद करते हैं खुशी और तुषान को, मैंने कि वो तो नहीं आए स्कूल थे। तो खुशी अभी अंदर है, चेंज कर रही है, और तुषान अपने पापा के साथ अभी खेल रहा है लूडो, और फिर चला जाएगा। और इससे बात कर लो, हेलो क्या रही हो, हाँ सेट रियो, रियो के लिए कुछ नहीं लेके आई, आज तो ऐसे हो जाएगा क्या? हाँ देखो इसके काम, देख लो इसके काम, ये करता है ये बैठते ही। मैं आपसे बात नहीं कर रही रियो, चलो देखो गया गया बुलाते ही। तो लड्डू सो रहे थे, लड्डू को उठाया है अभी। बच्चों के लिए मैं फलूदा खा के आई थी मार्केट में, और बच्चों के लिए लेके आई थी समोसा। और अभी मैं बना रही हूँ चाय मम्मी के लिए, और खुशी के पापा के लिए, और इनके लिए समोसा। और भी मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, और बाकी जो शॉपिंग है ना वो आपको मैं दिखा नहीं सकती किस चीज़ के लिए करी हूँ, आपको पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो देखो मैं लड्डू के लिए कितनी प्यारी ड्रेस लेके आई, बिल्कुल कॉटन में जैसी मुझे चाहिए थी ना वैसी मिल गई। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मुझे जो चाहिए वो मिलती हैं, तो तीन चार ड्रेस में कॉटन में ही लेके आई थी गर्मी के हिसाब से लड्डू के लिए। तो ये हैं लड्डू की ड्रेस, और कुछ आने तो एक अपनी पहन ही ली आती, और बाकी इसने रख दी अपनी अलमीरा में।
अब बना ली है चाय। और ये देखो समोसे पैक करवा के लाई थी, धोखा देख लो, नहीं देखा तो ये काम करते हैं, जला हुआ पैक कर रखा है, तो जब भी पैक करवा के लाएं तो आगे देख लें, मैंने देखा नहीं था तो उन्होंने पैक कर दिया, बहुत धोखाधड़ी है। और समोसे तो मुझे इतने महंगे पड़े, मैं खा के अपने निकल आई, समोसे मैंने उठाए नहीं, और आगे थी मैं आगे ऑटो में बैठ के, थोड़ा ज़्यादा दूर तो नहीं आई थी, थोड़ी दूर आई थी, तो फिर मुझे याद आया, फिर मैंने ऑटो को रुकवाया, फिर मैं सामान लेके गई और फिर मैं लेके आई, फिर दोबारा मैं ऑटो में बैठ के फिर से आई, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, मैं सीधा निकल गई थी वहाँ से। तो ये हुआ आज मेरे साथ, टाइम पे टाइम जब मैं लेट होती हूँ ना ऐसे ही होता है, इतना जल्दी करो करने की, लेकिन ऐसे ही भूल जाती हूँ चीज़ें कई बार, तो पर ठीक है, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। माँ ने देखा ही अच्छा, तो भी ले लिया है मैंने एक मैंगो और अभी इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आम को कट कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक, और चार पांच लिए मैंने काजू, काजू को भी बारीक बारीक कूट लेंगे। काजू के बाद अभी लिए हैं पिस्ते, पिस्ता को भी ऐसे ही बारीक बारीक कर लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना भी डालें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पिस्ता भी बारीक बारीक पीस लिया है, और ये आइस क्यूब ली है, और ये ली है वेनिला आइसक्रीम, और ये हमारा मैंगो। तो अभी करते हैं हम बनाना स्टार्ट। तो जो मैंगो हमने कट किया है वो मैं हाफ लूंगी अभी पीसने के लिए। तो मैंगो हमने डाल लिया है, अब ऐड करेंगे इसमें शुगर 2 चम्मच, आइस क्यूब डालेंगे, और अब अच्छे से मिक्सी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वेनिला आइसक्रीम 2 चम्मच। तो भी हमारा रेडी है मैंगो शेक। सबसे पहले हमने जो पीस कर रखे थे अपने छोटे छोटे मैंगो के, वो डालेंगे गिलास में, और अब डालेंगे अपनी वेनिला आइसक्रीम। आप मैंगो आइसक्रीम भी ले सकते हैं अगर आपको मैंगो आइसक्रीम पसंद है। तो एक एक चम्मच ऐड कर दी है, तो अभी डाल देंगे अपना जो शेक हमने बनाया है, और फिर जो हमारे बचे हुए हैं फिर से डाल देंगे। तो अभी डालेंगे जो काजू हमने अपने रख रखे थे, और पिस्ता खुशी के मैं नहीं डालूंगी क्योंकि उसको पसंद नहीं है, और अभी डालते हैं थोड़ा सा और शेक। टूटी फ्रूटी अगर आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, तो हमारे पास अभी है नहीं तो वो हमने ऐड नहीं की। तो अभी डाल लिया है आइसक्रीम और काजू और पिस्ता। तो ये हमारा मैंगो शेक बनकर तैयार है। तो अभी लास्ट में मैंने बनाया है अपने लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना, आप ज़रूर बनाना है इस तरीके से, बहुत ही यम्मी बनता है गर्मियों में, तो बनाने के बाद ज़रूर बताना कि हाँ दी बहुत ही अच्छा था और टेस्टी था। तो आप सबको कैसे लगी मेरी मैंगो की रेसिपी, मैंगो शेक की? तो बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाना, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ दी बहुत ही यम्मी था। थैंक यू।